अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दोस्तों नमस्कार। 5 जुलाई सन 2022 मंगलवार, खबर निकल के आ रही है कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने कहा है कि अगले 12 महीने के भीतर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ जाएगी। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 जुलाई सन 2022 मंगलवार, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर फिर से मंदी के बादल मंडराने लगे हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि कोरोना महामारी, यूरोप में जारी लड़ाई और सप्लाई चेन की बाधाओं से जूझ रही ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर मंदी का खतरा पहले से अधिक बढ़ गया है। नोमुरा ने यहां तक कहा है कि अगले 12 महीने यानी एक साल के अंदर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ सकती हैं। हालांकि आर्थिक मंदी पर भारत और चीन में आने की संभावना कम है, ये कहना है नोमुरा के। नोमुरा ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर रूस ने गैस की सप्लाई पूरी तरह रोक दी तो यूरोपीय देशों में मंदी की मार और अधिक गहरा सकती है, और साल 2023 में यूरोप में यूरो की इकोनॉमी में सिर्फ 1% की बढ़त होगी। नोमुरा के अनुसार मंदी की चपेट में आ सकते हैं विकसित देश। रिपोर्ट में कहा गया है कि सख्त होती सरकारी नीतियां और जीवन यापन में बढ़ती लागत ग्लोबल इकोनॉमी को मंदी की ओर धकेल सकती है। नोमुरा के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन के कई देश जिसमें ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ सकती हैं। लेकिन एशिया के लिए एक राहत की खबर है कि एशिया पर इस आर्थिक मंदी का खतरा कम है। यद्यपि जापान के ऊपर भी मंदी का खतरा है, हालांकि जापान में मंदी की मार तुलनात्मक रूप से कम रह सकती है। वहीं एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी चीन को लेकर नोमुरा का सकारात्मक रुख है। उसका मानना है कि अनुकूल नीतियों के कारण चाइना मंदी की मार से बच सकता है। वही सबसे तेज ग्रोथ रेट देने वाला देश भारत भी मंदी की मार से अछूता रह सकता है, यानी भारत पर भी ग्लोबल मंदी की मार कम रह सकती है या वहां पर नहीं आ सकती है। हालांकि मंदी के सीमित असर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ग्लोबल ब्रोकरेज फ्रॉम नोमुरा का। देखना यह है कि अब आगे क्या होता है, लेकिन ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण आर्थिक बाजार में मानी जा रही है। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देश का पहला चैनल जो 42.5 मार्केट पर लगातार विश्लेषण अपडेट आपको देता है और बाज़ार की हर खबर से आपको रूबरू कराने का प्रयास करता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।